नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद को समर्थन देने सोमवार को गिरिडीह में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी। जुलूस में किसान एकता जिंदाबाद, तीनों कृषि कानून को रद्द करो, कॉरपोरेट घरानों को देश की संपत्ति बेचना बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, किसानों के समर्थन में आज भारत बंद है आदि नारे लगाए गए। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में तीन कृषि कानून लाया गया। पहला कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन और सुविधा कानून, इससे सरकारी मंडियों के समानांतर पूंजीपतियों का प्राइवेट मंडी स्थापित होगा, सरकारी मंडी खत्म हो जाएगा और प्राइवेट मंडी से देश के किसानों का शोषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा कानून 2020 है, जिसमें सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों की आय में सुधार होगा, लेकिन यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला कानून है। शर्मा ने कहा कि यह कानून किसानों को पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाने वाला कानून है। तीसरे कानून की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तेलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है, ताकि पूंजीपति जमाखोरी कर सके। यह कानून जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला कानून है, इसलिए पूरे देश का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सड़क पर है। पहला कानून जो है, जो सरकारी मंडियों को खत्म करने वाला कानून है, वो प्राइवेट मंडियों को प्रोत्साहित करने वाला कानून है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जियो लाया गया और बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया, उसी तरह से ये पहला कानून सरकारी मंडियों को खत्म करने वाला और प्राइवेट मंडियों को आगे ले जाने वाला कानून है। दूसरा कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसानों का जो जमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, तो भारत के किसान मजदूर बन जाएंगे, बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। और तीसरा कानून में संशोधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है, उसमें संशोधन करने के बाद कोई भी आदमी, भारत का कोई भी आदमी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, जितना जमाखोरी करना चाहे वो कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जमाखोरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इन तीनों कानून के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर यहाँ पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में सड़क पर है। वी टाइम न्यूज के लिए गिरिडीह से सुधीर सिन्हा की रिपोर्ट।